गुड मॉर्निंग 11th क्लास। 11th क्लास के लिए हम चैप्टर नंबर 6th में आए हुए थे, लिनियर इनइक्वालिटीज। तो ये मैंने 6.3 का कल लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करवा था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी ये बच्चों को, फिर क्लियर नहीं हुआ। अब मैं दोबारा एक क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ आपको, इसको इजीली बड़े ध्यान से समझें। अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो देखिए ध्यान से, मुझे इन इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है। क्या देना है? ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि इनइक्वालिटीज को कभी भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनइक्वालिटीज को इक्वलिटीज बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। तो हम कैसे बनाएंगे? 3x प्लस में 2y इक्वल टू 24, x प्लस में 2y इक्वल टू 16, x प्लस में y इक्वल टू 10। और मैंने आपको ये भी बोला था कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो x और जो y की वैल्यू है, जो x और y की वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है? वो दोनों ही वैल्यू आपको आपको ये बोलेगी कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, जो आपका एरिया होगा वो पॉजिटिव एरिया होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो आपका एरिया बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये वैल्यू सिर्फ ये बोलती है हम। ओके, तो हमने सबसे पहले इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज बना लिया। अब इनइक्वालिटीज को मैं, जैसे 10th क्लास में हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे, सेम वैसे ही इसको हम इसी टेबल फॉर्म करेंगे, इसकी वैल्यू की सॉल्यूशन निकालेंगे इसके, उस सॉल्यूशन की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कैसे। एक्स y, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं यहां तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। क्लियर होगा सभी को? मैंने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया तो y वैल्यू कितनी आई? 12। अगर मैंने y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई? 8। अब सेकंड, एक्स वाई, एक्स के लिए मैं 0 पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 8। मैं वाई की वैल्यू पुट करता हूं 0, एक्स वैल्यू कितनी आएगी? 6। ओके, थर्ड, एक्स वाई, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y कितना हो जाएगा? 10। अगर y वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x वैल्यू कितनी होगी? 10। तो ये आपके पास तीनों टेबल बन चुकी हैं, ये अलग अलग बनानी है आपने, ये तो मैंने मिक्स कर दिया, लेकिन आपने ये अलग अलग टेबल बनानी है तीनों इक्वेशन के। अब इसको मैं ग्राफ फॉर्म करता हूं, x सबसे बड़ा कहाँ है? 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8। क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। आप यहाँ पर कोई और टेबल ले सकते हो, 2 की टेबल, 3 की टेबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब वाई में सबसे बड़ा नंबर है 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 12, 11 और 12। ये आपने ग्राफ पे प्लॉट करने हैं तो वहां पे अच्छे से आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 12, यहां बनेगा 1 पॉइंट। सेकंड एक्स की 8, वाई की 0। तो फर्स्ट आया ग्राफ इस टाइप से, सेकंड एक्स 0, वाई 8। यहां एक्स 16, वाई 0 लिया गया, आएगा आपका सेकंड ग्राफ। आफ्टर दिस नेक्स्ट जो आपका ग्राफ बनेगा एक्स 0, वाई 10। एक्स 10 और वाई 0, ऐसे। अब मुझे ये देखना है कि इनका एरिया कहां बिलोंग्स करेगा। एरिया बिलोंग्स देखने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, किसी भी लाइन का स्ट्रेट लाइन का जो एरिया होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये चेक करने के लिए इन इनइक्वालिटीज की हेल्प लेंगे हम। इनइक्वालिटीज में ओरिजिन को पुट कर देंगे, अगर ट्रू आता है तो उस लाइन का एरिया होगा अपवर्ड, अगर फॉल्स आता है तो उसका एरिया होगा डाउनवर्ड। देखें अगर मैं 0 0 पुट करता हूं इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में 0 प्लस में 0 लेस देन 24, तो ट्रू है। इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन थी, कौन सी थी फर्स्ट लाइन, एक्स 0 12, ये जिसका एरिया है वो कहां है, वो एरिया है इसका ओरिजिन की तरफ। सेकंड 0 लेस देन 16, ये भी ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो जो सेकंड इक्वेशन थी मेरी, ये आप लिख सकते हो, ये थी मेरी 1, ये थी 7, इसका एरिया भी कहां है, डाउनवर्ड है। जो थर्ड इक्वेशन है उसमें देखें 0 लेस देन 10, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब इसका एरिया कहां होगा, इसका भी एरिया जो थर्ड लाइन है उसका भी एरिया कहां, डाउनवर्ड। तो अब ऐसा एरिया जो तीनों में कॉमन है तो वो एरिया होगा ये, के सामने इसको अपने कलर करना है पेंसिल के साथ, ये क्या है इसका कॉमन एरिया है। सेम क्वेश्चन एलपीपी के नाम से 12th क्लास में रिपीट होंगे। ये करना ओके। तो ये था आपका लीनियर इनइक्वालिटीज की 6.3 एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं आपने। तो आज आप 6th चैप्टर अपना कंप्लीट कर लें, कल से मैं आपका 2nd चैप्टर लेसन स्टार्ट करवाऊंगा और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2nd और 3rd चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आगे अपना मैथ स्टडी करना है 11th 12th क्लास के बाद। ओके आज ये करें आप, इनइक्वालिटीज को कंप्लीट कर लें। ओके थैंक यू।